ब्रिटेन का आगाज बड़ी खबर के नाल साबका मंत्री आशू नूं लुधियाना अदालत विच पेश किया गया ते अदालत ने मुड़ दो दिन रिमांड से भेज दिता है। दस दिए कि कथित टेंडर घोटाले दे विच जिथे कि आशू की गिरफ्तारी हुई है तो हुण साबका मंत्री आशू नूं लुधियाना अदालत विच पेश किया गया। अदालत ने एक बार फिर तो दो दिन रिमांड से भेज दिता है। बकायदा पूछगिछ जो है वो फिर तो की जानी है। तो कथित टेंडर घोटाले दे विच आशू की बीते दिन ही गिरफ्तारी हुई सी। हुण एक बार फिर तो पूरा मामला सुर्खियां दे विच है। साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं लुधियाना अदालत दे विच पेश किया गया जिस तों बाद अदालत ने मुड़ दो दिन रिमांड से आशू नूं भेज दिता है। हालांकि विजिलेंस वालों चार दिन का रिमांड जो है वह मंगया गया सी। यह दस दिए कि कथित टेंडर घोटाले दे विच आशू की गिरफ्तारी हुई है तो भारत भूषण आशू के कोलों हुण पुछगिछ की जाएगी। दो दिन रिमांड जो है वह मिले है। विजिलेंस के वालों चार दिन के रिमांड की मांग की गई सी पर दो दिन के रिमांड से हुण साबका मंत्री आशू नूं भेज दिता गया। दस दिए कि साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं लुधियाना अदालत में पेश किया गया सी ते अदालत ने एक बार फिर तो दो दिन रिमांड से उन्हां नूं भेज दिता है। तो कथित टेंडर घोटाले दे विच जिथे कि बीते दिन ही साबका मंत्री भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी की गई सी तो उधर विजिलेंस के वलों चार दिन रिमांड की भी मांग की गई सी। इस वेले की वड्डी खबर तुहाडे तक पहुंचा रहे हां कथित टेंडर घोटाले दे विच जिथे कि साबका मंत्री नूं हुण रिमांड मिल चुके है। दस दिए कि अदालत ने दो दिन रिमांड से साबका मंत्री आशू नूं भेज दिता है। हालांकि हुण यह दो दिन जो ने काफ़ी अहम रहने वाले ने, देखना लाजमी होएगा कि आखिर पुछगिछ के दौरान की कुछ होर खुलासे होणगे। साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं लुधियाना अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुड़ दो दिन रिमांड से भेज दिता है। कथित टेंडर घोटाले जिथे गिरफ्तारी हुई सी हुण इस पूरे मामले के बकायदा पूछगिछ की जाएगी। होर खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, संभावना बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस के वालों भी कहा गया सी कि सियासी बदलाखोरी के तहत ही यह कार्रवाई जो है वह की जा रही है, पर यह देखना अहम रहेगा कि जिस हिसाब के विजिलेंस के वालों कार्रवाई की गई है तो हूँ दो दिन का रिमांड भी मिल चुके है। हालांकि चार दिन के रिमांड की मांग की गई थी पर अदालत के वालों दो दिन का रिमांड ही दिता गया तो यह दो दिन काफ़ी अहम रहने वाले हैं। तो साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं लुधियाना अदालत में पेश किया गया। दस दिए कि अदालत ने मुड़ दो दिन रिमांड से भेज दिता कि कुछ होर जानकारी वह भी लवेंगे। नवीन शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी नाल ने। नवीन तो आज तो पूरी जानकारी चाहवांगे जी। देखो आज अदालत दे विच भारत भूषण आशू नूं पेश किया गया और दो दिन का रिमांड फिर लिया विजिलेंस विभाग ने। इस तो पहले क्योंकि जो रिमांड से चार दिन का रिमांड से दो दिन का होर हो गया और कई जड़िया गिरफ्तारियां करनिया बाकी है क्योंकि विजिलेंस विभाग की हुण नज़र जिहड़ा भारत भूषण आशू का पीए है मीनू मल्होत्रा उस दे उत्ते है क्योंकि मीनू मल्होत्रा नूं गिरफ्तार करन दे लई लगातार विजिलेंस विभाग रेड कर रहा है। अज अदालत दे विच लंबी बहस हुई, उस लंबी बहस दे विच विजिलेंस विभाग ने अदालत दे विच आख्या जिहड़े सरकारी वकील सी कि जिहड़ियां होर गिरफ्तारियां करनिया बाकी है। तेलू राम जिहड़ा कड़ी सी सब तो वड्डी जिसने खुलासे किए वड्डे कि किवें 2000 करोड़ रुपए के घोटाले अंजाम दिता गया ट्रकों के उत्ते मोटरसाइकलों के स्कूटर के नंबर ला के उस ढोआ ढोआई दे दौरान उस अनाज घोटाले दे विच किवें उसनु अंजाम दिता गया। सो उस तो बाद तेलू राम नू चाहे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिता पर हुण विजिलेंस विभाग बड़ी कोशिश कर रहा कि रेडा मार के मीनू मल्होत्रा जल्द तो जल्द मीनू मल्होत्रा गिरफ्तार किया जाए। मीनू मल्होत्रा तो वड्डे खुलासे विजिलेंस विभाग में हो सकते हैं। नाल ही तुहानू एक होर गल दस दिए कि जिहड़े लुधियाना दे मेयर है कांग्रेस दे बलकार संधु उन्होंने भी विजिलेंस विभाग ने बुलाया और उस दे नाल ही इंदरजीत इंदी जिहड़े भारत भूषण आशू के काफ़ी नज़दीकी जिहड़े दसे जा रहे ने उस उन्होंने भी नामजद किया। सो कई जिहड़ियां कड़ियां ने हुण विजिलेंस विभाग जिन्ने भी आशू के करीबी है और जिन्हें भी चाहे वह रिश्तेदार है उन्होंने को पुछगछ करने की कोशिश करेगी। कई विजिलेंस विभाग सद्दा देगी, कई समन करेगी पर हुण जिस तरह के नाल दो दिन का रिमांड विजिलेंस विभाग ने हासिल किया विजिलेंस विभाग की पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि पिछले दिन रिमांड के आशू ने विजिलेंस विभाग के नाल कोऑपरेट नहीं किया
और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पाया विजिलेंस विभाग को। विजिलेंस विभाग जो सवाल करता सी भारत भूषण आशू को, भारत भूषण आशू एको जवाब देंदे सी कि जिहड़ा मेरा पीए है जिहड़ा फरार है उसनू पुछो, चाहे सीए को पुछो, बाकी इस तो ज़्यादा भारत भूषण आशू कोई भी जवाब नहीं दे रहे। सो विजिलेंस विभाग वास्ते काफ़ी चुनौतियां ने और आने वाले दिनों के जे मेयर जिहड़े कांग्रेस के लुधियाणा तो बलकार संधु उन्होंने बुला के पुछगिछ 3 घंटे तक की गई है। इंद्रजीत इंदी दी इंदी नू नामजद किया गया और इस दे नाल ही सन्नी पल्ला जिहड़ा कांग्रेस का कौंसलर है उसनु भी नामजद किया गया पर उसनु बुलाया गया बिजनेस विभाग के दफ्तर पर वह नहीं आए। हुण लगातार बिजनेस विभाग की जिहड़ी नज़र है जिहड़ियां बाकी जिहड़े फरार ने उन्होंने है और जल्द तो जल्द बिजनेस विभाग कोशिश करेगा कि जिहड़ा पीए मीनू मल्होत्रा उसनु पहले गिरफ़्तार किया जाए क्योंकि कई जमीनों के कागजात जिहड़े ने वह बिजनेस विभाग ने जब्त किए हैं और जिहड़े जमीनों के कागजात जब्त किए हैं जिहड़ा मीनू मल्होत्रा तेलू राम के नाल किधर ना किधरे उसका कनैक्शन जुड़ता नज़र आ रहा। जिहड़ियां जमीना ने वो तेलू राम के नाम ही है जिहड़ियां इस घोटाले के विचों जमीना खरीदिया गई उन्होंने पैसों के नाल और उस दे विच मीनू मल्होत्रा के भी कागजात के जमीना सांझियां जिहड़ियां ने सानू खबरां मिल रही ने वो जमीना सांझियां नज़र आ रही ने। सो हुण विजिलेंस विभाग मीनू मल्होत्रा की भाल करन दे विच लगा, कई बार रेडा भी कीतियां ने जवाहर नगर कैंप के पर हजे तक मीनू मल्होत्रा विजिलेंस की गिरफ्त तो दूर है। और एक एक वड्डी अपडेट यह है कि दुबई का एक कनैक्शन जुड़ रहा भारत भूषण आशू के नाल। दुबई के एक होटल दसया जा रहा है जिहड़ा भारत भूषण आशू का दसया जा रहा है, ये सूत्रों तो सानू खबरां मिल रही ने होटल वालिया। तो दुबई के एक पार्किंग साइड है जिहड़ी विजिलेंस विभाग खुलासा हजे नहीं कर रहा, यह खबर मिल रही ने कि जिहड़ियां विदेशों के प्रॉपर्टियां बनाई ने इस पूरे घोटाले की जिहड़ी रकम सी जिहड़े पैसे करोड़ों रुपया जिहड़ा घोटाला किया गया उन्होंने घोटालिया के नाल जिहड़ियां जमीनां विदेशों के खरीदिया गई ने हुण उन्होंने भी जांच विजिलेंस विभाग आने वाले दिनों कर सकता। आने वाले दिनों कई वड्डे खुलासे हो सकते हैं। हुण भारत भूषण आशू सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा, उस तो बाद विजिलेंस विभाग अगे भी रिमांड लैन की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, हालांकि पहला ही 4 दिनों की मांग जो है की गई सी, पर नवीन इतने भी समझना चाहवागे कि दो दिन हुण काफ़ी अहम रहने वाले ने, पहला कोऑपरेट नहीं किया गया कि लगता कि हुण आशू सहयोग करेंगे। बिल्कुल, मैं वही दोबारा दोहरा रहा कि 2 दिन हुण बिजनेस विभाग वास्ते काफ़ी चुनौतियां भरे ने क्योंकि पिछले 4 दिन भारत भूषण आशू ने विजिलेंस विभाग के नाल कोई सहयोग नहीं किया क्योंकि जो सवाल किया जाता सी मैं बार बार उही गल आख रहा वो उही आख रहे हैं कि मेरे पीए ते सीए को पुछो। हुण जिहड़ा पीए फरार है मीनू मल्होत्रा उसकी विजिलेंस विभाग भाल कर रही है, पर एक इंद्रजीत इंदी नूं अज जदों नामजद किया वह भी अपने आप को पीए आखदा सी भारत भूषण आशू का, हुण पुलिस उसकी भी भाल है क्योंकि वह भी हुण फरार दस्या जा रहा। सो आने वाले दिनों जे है ना 2 दिनों के रिमांड के गिरफ्तारियां होंदिया ने क्योंकि अज रात तो विजिलेंस विभाग पूरी कोशिश करेगा दोबारा मीनू की भाल करने लई इंद्रजीत इंदी की भाल करने लई। अगर उन्होंने तक पहुँचता विजिलेंस विभाग तो कई आने वाले दिनों बिल्कुल बिल्कुल वड्डे खुलासे जो ने हो सकते हैं। शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी ली। तो कथित टेंडर घोटाले के जिथे कि आशू की गिरफ्तारी हुई है और यह समझना अहम है कि हुण यह 2 दिन जो ने रिमांड दे काफ़ी अहम रहने वाले ने। कुल मिला के जेकर किया जाए तो एक चुनौती जो है वह विजिलेंस विभाग के लिए जरूर रहेगी।